Hey guys, welcome back to the Journey of Professional Ethics Day 3. Day 1 and Day 2 is done. Congratulations, आपने काफी सारे important concepts कर लिए. आज Day 3 में हम लोग schedules को आगे बढ़ाते हुए misconduct और conduct की चीजें ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है? हाँ, मैं आपको ये याद दिला दूँ, आप professional ethics का Day 1, Day 2 पढ़ करके नहीं आए हैं, तो description box में उसकी link है, जरूर check करेगा before you start with Day 3. यहाँ पे हम लोगों ने पूरी ठान ली है कि प्रोफेशनल एथिक्स में से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हम लोगों को उसे टैकल करना ही है, ठीक है? सो मैंने तो ये मुनीम उठा ली है दैट एवरी डे आई पोस्ट अ सेशन फॉर नेक्स्ट 5 days. आई एम श्योर दैट यू आर ऑल्सो अटेंडिंग द लेक्चर लाइव. जो भी आपका आंसर है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करिएगा. अगर आपने हमारा फुल कोर्स जानना है या पढ़ना है हमसे पूरा सीए फाइनल ऑडिट सीए इंटरमीडिएट ऑडिट, यू कैन सब्सक्राइब टू अन एकेडमी बाय यूजिंग द कोड ऑडिट्स आर. बैच प्लान्स में दो ऑप्शंस है गाइज आपके पास, आइकॉनिक एंड प्लस. आइकॉनिक में प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट, फिजिकल कॉपी ऑफ बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, इंडस्ट्री सेशंस, एक्सपर्ट सेपरेट डाउट सॉल्विंग क्लासेस, ये सब कुछ है, ठीक है? सो ऑडिट्स आर कोड यूज करने से आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, तो इवैल्यूएट कर लीजिएगा जरूर. अब शुरू करते हैं हमारा आज का डे 3 प्रोग्राम. कमिंग बैक टू द बुक, बुक में आपको एक पॉइंट ऐड करना है, वो एग्रीकल्चर वाला. एग्रीकल्चर लैंड ओन करना एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करना जनरली अलाउ, ठीक है? यहाँ पे जो है विद द हेल्प ऑफ हायर्ड लेबर्स, अगर आप अलाइड एक्टिविटीज कर रहे हो, सो अगर आप दूसरों के मदद से कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, जहाँ पे ज़मीनें लेन देन का काम कर रहे हो, आप ब्रोकर एक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए स्पेसिफिक परमिशन लगता है. सो फिलहाल के लिए आई एम जस्ट कटिंग दिस पॉइंट ऑफ, इसको निकाल दीजिए. नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट नोट्स दैट द ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट एक्ट एज द ऑडिटर ऑफ द होल्डिंग कंपनी एज इट अफेक्ट्स इंडिपेंडेंस. अब देखो ये सारा चीज़ मैम कंपनीज एक्ट में तो नहीं लिखा, ये सारा चीज़ हमारे एथिक्स के वाया हमारे ICAI ने हमें बता करके रखी. अ मेंबर इन प्रैक्टिस कैन बी एंगेज एज कर्ता ऑफ HUF, ठीक है, doing the family business provided he is not actively engaged in the management of the said business. No specific permission is required if PCA proves that he has acquired the interest in the family because of inheritance, succession, partition and it is not self-created. So basically hamara jo associations hai, no specific permission is required if PCA proves that he has acquired the interest in the family business as a result of inheritance, succession and he has not actively taken up the business responsibility. मतलब अभी वो succession के बारे ऐसा नहीं है कि दादाजी ने मुझे कहा अब मैं actively वो business handle कर रहा हूँ, नहीं, ये आ चुका है ऐसे ही. I don't have any active association with the business, तो वो specific permission लेने की ज़रूरत नहीं है. होता है ना वो inheritance के basis पे, जैसे ही कोई grandfather या great great grandfathers की death हो जाती है तो धीरे धीरे business अपने legal heir के नाम पर अपने आप transfer हो जाता है, ठीक है? सो अगर वैसे आया है ये बिजनेस तो कोई स्पेसिफिक परमिशन की जरूरत नहीं. लास्ट क्लॉज फॉर दिस पार्ट 1 क्या कहता है? लास्ट क्लॉज, क्लॉज नंबर 12, ये है हमारे लालू जी क्लॉज. लालू जी क्लॉज क्या कहता है समझो. अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही, उन्होंने अलाव कर दिया है किसी अदर पर्सन को टू साइन एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स on his behalf or on the behalf of his firm. अगर ये कोई specified person को sign करने दिया होता ना, मतलब क्या, आज मैं Mr. A, Mr. B, हम तीन जन partnership में हैं, A, B, C and associates हमारा firm का नाम, तो वो firm के नाम पे मैं signing करूँ, Mr. A sign करे या Mr. B sign करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलेगा. बट आज मेरे firm के नाम पे मैं किसी third person को बोलूँ कि सर आप वहाँ बैठे ना, आप खुद sign कर लो, ऐसा चलेगा क्या? मैम वो PC है क्या? हाँ, फिर भी नहीं चलेगा. हम लोग सिर्फ एक ही रिलेशन को अलाउ करते हैं, PCA हु इज योर पार्टनर, ठीक है? यहाँ पे PCA एम्प्लॉई को भी अलाउ नहीं करेंगे टू साइन ऑन योर बिहाफ. बट मैम जो रूटीन डॉक्यूमेंट्स होगा जैसे कि नॉर्मल बिलिंग्स,
नॉर्मल वाउचर्स, नॉर्मल क्वेश्चनेयर, कोई चेकलिस्ट, कोई ऑडिट चेकलिस्ट वगैरह देनी हो तो वो चलेगी क्या? हाँ वो चलेगी। तो देखो, अलाउज एनी पर्सन अदर देन एनी स्पेसिफाइड पर्सन टू साइन ऑन हिज बिहाफ और ऑन द बिहाफ ऑफ हिज फर्म द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज PNL, बैलेंस शीट्स और द रिपोर्ट्स। मैम ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? PCA, जो कि आपका पार्टनर है। मैम PCA एम्प्लॉय हुआ तो नहीं चलेगा। मैम पार्टनर PCA नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। एक ही कॉम्बिनेशन अलाउड है एक्सेप्ट फॉर द रूटीन डॉक्यूमेंट्स। व्हाट आर रूटीन डॉक्यूमेंट्स? एग्जाम्पल बिल्स, क्वेश्चनेयर्स, एनी रूटीन करस्पॉन्डेंस विद द क्लाइंट, एवरीथिंग इज अलाउड। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्लॉज 12 खत्म होता है। एक छोटा सा रिक्वायरमेंट है टू क्लब दिस क्लॉज विद सेक्शन नंबर 26। अब देखो, मैंने मेरे बिहाफ पे एक मैडम है आरती मैडम, ठीक है, आरती मैडम शी इज़ इन गुजरात, ठीक है। मैंने उन आरती मैडम को कहा कि मैम आप एक काम करो, मेरे बिहाफ पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन कर दो, वो गुजरात की क्लाइंट है। मैम आरती मैडम सीए है क्या? नहीं है आरती मैडम, शी इज़ नॉट अ सीए, ठीक है। बट मैंने कहा तो मेरे बातों का मान रखने के लिए शी साइन। यहाँ पे दो चीज़ों का उल्लंघन हुआ। पहला, क्लॉज नंबर 12 जो कि मुझ पे लगेगा क्योंकि मैंने मेरे बिहाफ पे किसी नॉन PCA को साइन करने दे दिया। दूसरा, इवन आरती मैडम हैज़ लाइक कॉन्ट्रावीन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26। सेक्शन 26 उन पे लगेगा जो कि CA नहीं है बट फिर भी CA वाले डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 26 वाला सेक्शन भी अट्रैक्ट होगा। सेक्शन 26 क्या कहता है, आई विल जस्ट टेक यू थ्रू सेक्शन नंबर 26 ऑल्सो। ओनली मेंबर ऑफ ICAI टू साइन द डॉक्यूमेंट्स, मतलब एनी अदर पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ ICAI इफ ही इज साइनिंग इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी तो ये कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। पहली बार अगर हमने आपको ये उल्लंघन करते देखा, फाइन ऑफ 5,000 rupees 1 lakh, सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन के लिए 10,000 rupees 2 lakh, इंप्रिजनमेंट अप टू 1 year और बोथ, इतनी पेनल्टी लगेगी। किनको? आरती मैडम को। समझ में आता है पक्का? सो देयर यू कंप्लीट पार्ट वन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। डायरेक्टली जंपिंग टू पार्ट टू फर्स्ट शेड्यूल। मैम क्यों इतना घाय? क्योंकि पार्ट टू में जो दो क्लॉज हम पढ़ने वाले हैं इज एग्जैक्टली सेम एज पार्ट वन के कुछ क्लॉजेस। तो पहले समझते हैं पार्ट वन में क्लॉज टू और क्लॉज थ्री, बॉबी देओल क्लॉज और चुलबुल पांडे क्लॉज, कुछ याद आ रहा है? पेज और अलाउज, अग्रीज टू पे और अलाउ, नीचे वाला हम लोगों ने बोला था एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट, याद आ रहा है? देखो, इफ यू आर इन प्रैक्टिस यू आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट मनी, इफ यू आर इन प्रैक्टिस यू आर ट्राइंग टू पे द मनी इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर पार्ट वन। इफ यू आर इन सर्विस नॉट इन प्रैक्टिस अगैन यू ट्राई टू पे समवन द मनी के यार मुझे काम दिला दो, 10% आपको दे दूंगा, दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज वन पार्ट टू फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। इफ यू ट्राई एक्सेप्टिंग एनी मनी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटिफिकेशन कि ठीक है मैं अपनी कंपनी का केस आपके हाथों भिजवा दूंगा, मैं खुद यहाँ पे अकाउंटेंट हूँ और मुझे कुछ पैसे वैसे लगेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ चीज़ हुआ है तो यहाँ पे भी हम लोग कहेंगे ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है अंडर क्लॉज टू पार्ट टू फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। तो चलो पहले तो ये NPCA वाला क्लॉज पढ़ते हैं। सो हियर यू गो, पार्ट टू स्पेसिफिकली हमारी काली वाली लाइन चेंज हो जाएगी। A member of institute not in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he, मतलब member of institute in service will be guilty of professional misconduct if he pays, वहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, pays or allow, agrees to pay or allow, share commission brokerage क्योंकि वो practice में था। यहाँ पे क्या आएगा, part of emoluments or salary, मतलब आपकी salary का कोई हिस्सा आप किसी से बांट रहे हो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। Next clause 2 में क्या आएगा, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन सर्विस शाल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट एनी प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द लॉयर एक्सेट्रा, मतलब ना वो पैसे किसी से ले सकता है ना वो पैसे किसी को दे सकता है। चल आई एम गिविंग यू अ माइक्रो मिनट टाइम, क्विकली गो थ्रू दिस पॉइंट। सो दैट वॉज अ नोट विच इज इम्पॉर्टेंट। सो इफ अ मेंबर हु इज एक्चुअली हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बट ही इज एंगेज इन फुल टाइम employment with any CA firm
आपने अगर फीस भी शेयर की है तो यू विल बी गिल्टी अंडर पार्ट वन और पार्ट टू. पार्ट टू ठीक है, सो विल बी गिल्टी अंडर अबाउ क्लॉसेस. पार्ट थ्री एज आई टोल्ड यू काली वाली लाइन चेंज हो जाएगी. अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही इन प्रैक्टिस और नॉट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही वॉट इफ ही फिट FIT तीन क्लॉज हैं यहाँ पे. इफ ही नॉट बींग अ फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट एक्ट्स एज इफ ही इज अ फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट. मैम एक मिनट, फेलो का क्या मतलब होता है? फेलो का मतलब होता है फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट व्हेन ही हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड 5 years इन प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली. वो एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट से फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाता है. ठीक है, जैसे आज यश भाई साहब सीए बनने के बाद इमीडिएटली स्टार्टेड विथ प्रैक्टिस. ही विल बी कॉल्ड एज ACA एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट. जैसे ही वो कंटिन्यूस 5 साल इन प्रैक्टिस पूरे कर लेता है, 6ठे साल से हम इनको कहेंगे फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट. बट यश भाई साहब ने क्या किया, 3रे ही साल में ऐसे होशियारी करना स्टार्ट कर दिया. अरे मैं तो 15 साल से प्रैक्टिस में हूँ, देखो सफ़ेद बाल आ गए, बाल उड़ गए मेरे तो, इतना काम करता हूँ मैं तो 15 साल से प्रैक्टिस में हूँ. सो अगर आपने ऐसा क्लेमिंग भी कर दिया है या फिर कहीं पर आपने ऐसा डेजिग्नेट कर दिया है कि आई एम द फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, विल बी अ मिसकंडक्ट अंडर Clause 1, Part 3, First Schedule. एफ आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन. अब ये इंफॉर्मेशन किसने मांगी है, किससे मांगी है, किसने दी या नहीं दी, इसके बारे में ध्यान देते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, अगर ICAI के कोई भी काउंसिल या फिर बोर्ड्स के तहत पीयर रिव्यू बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, एनी इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट एंड यू फेल टू सप्लाई दैट इन्फॉर्मेशन. उन्होंने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी और आपने उनको जवाब ही नहीं दिया. उन्होंने तो कई बार कहा कि मेरे सवालों का जवाब दो दो ना, बट आपने जवाब ही नहीं दिया. सो यू डिड नॉट सप्लाई एनी इन्फॉर्मेशन, यू डिड नॉट कम्प्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स आस्क्ड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ काउंसिल, पीयर रिव्यू बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड. मतलब काउंसिल के तहत कुछ काम था, आपने नहीं किया. मिसकंडक्ट अंडर पार्ट सॉरी अंडर Clause 2, Part 3, First Schedule. लास्ट वाला पॉइंट कहता है टेंडर. अब ये टी क्या है समझो स्टूडेंट्स. देखो हम लोगों ने यूजुअली Clause 6, Clause 7 ऑफ Part 1 में एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, सॉलिसिटेशन कैसे करना है, बिजनेस को सिक्योर कैसे करना है, इन सब के ऊपर चर्चा करके रखिए. या सो इन केस यू वांट टू सॉलिसिट योर क्लाइंट, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू द टेंडर्स, बट नोइंगली यू हैव सप्लाइड एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द टेंडर्स, यहाँ पे मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा. बोलता है हम लोगों ने राइट अप्स लिखना अलाउ किया, टेंडर्स को कंप्लाई, टेंडर्स को रिप्लाई करना अलाउ किया, कुछ लेवल तक एडवर्टाइजमेंट करना अलाउ किया आपको, बट ये चीज़ों में अगर आपने जानबूझ करके गलत इन्फॉर्मेशन लिखी हो तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाया जाएगा. अब ये इन्फॉर्मेशन वाला जो पॉइंट है ना, उसका एक चार्ट मैंने एकदम ही स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बना करके रखा है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेक यू ऑल, जस्ट स्क्रोल अप योर पेजेस अ बिट एंड देयर कम्स अ स्मॉल चार्ट जहाँ पे इन्फॉर्मेशन का एक रिकॉल चार्ट बना करके रखा है. देखो कौन कौन आपके पास से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है. इंस्टीट्यूट मांग सकता है आपके पास से इन्फॉर्मेशन, सॉलिसिटेशन के लिए आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो किसी को, या कोई अथॉरिटी आपसे खुद की इन्फॉर्मेशन मांग सकता है. जैसे कि GST डिपार्टमेंट ने आपका डिटेल्स मांगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपका डिटेल्स मांगा, तो दैट इज़ अदर अथॉरिटीज. इंस्टीट्यूट ने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी, दो चीज़ हो सकती है, आपने नहीं दी या फिर आपने गलत दी. सही दी तो कोई दिक्कत ही नहीं. अगर आपने नहीं दी इन्फॉर्मेशन, नहीं दी, दिस इज़ अ मिसकंडक्ट अंडर अभी अभी जो पढ़ाया वो अंडर Clause 2, Part 3, First Schedule. FIT का आई है ये. अगर आपने इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्मेशन गलत दी, अब यहाँ पे ये क्लॉज मैंने अब तक आपको पढ़ाया नहीं है, बट जस्ट इतना बैक ऑफ द माइंड रखना कि सेकेंड शेड्यूल जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेकेंड शेड्यूल में ये भारी वाला मिसकंडक्ट आने वाला है कि आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी. ठीक है, तो आएगा. नेक्स्ट, आपने क्लाइंट्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए, सॉलिसिट करने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं दी. नहीं दी तो इंस्टीट्यूट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है वो तुम्हारा बिजनेस है, इन्फॉर्मेशन देना नहीं देना वो आपका काम. ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई मिसकंडक्ट नहीं.
बट काम को मांगने के लिए आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। अमित भाई साहब जब भी मेरे यहाँ पे इंटरव्यू देने आए थे, मुझे बोलता है कि मैम मेरे को 32 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कहा बेटा तू खुद 25 साल का है, तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते ना आप। तो अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी काम सॉलिसिट करने के लिए, दिस विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, FIT का टी। क्लॉज 3 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल, जो अभी अभी हम लोग पढ़ करके आए। लास्ट वाला पॉइंट आता है, अदर अथॉरिटीज ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, जैसे कि कोई एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर महेश, मिस्टर महेश की इनकम बहुत ज़्यादा गजब में भरमार है पैसा की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा, GST डिपार्टमेंट को लगा कि यार सर के पास तो बहुत पैसे है, गजब पैसे है। तो डिपार्टमेंट ने एक नोटिस भेजा, आओ कभी हवेली पे। ये समन किया आओ कभी हवेली पे वाला, एंड महेश बाबू ने इस इन्फॉर्मेशन को सप्लाई नहीं किया, ठीक है, उनके ऊपर केस चालू होने वाला था, बट ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं किया। अब चार लोग क्या कहेंगे, अरे सर तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है बट सर ने डिपार्टमेंट को रिप्लाई नहीं किया, अरे बाप रे। अब यहाँ पे ये एक्ट इज अट्रैक्टिंग डिसरेप्यूट एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस विल बी अ मिसकंडक्ट अंडर, जो अभी हम लोग लास्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज अंडर क्लॉज 2 पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल, दिस विल बी रिगार्डेड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन कौन कौन मांग सकता है, आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो, बेस्ड ऑन दैट देर आर सेवरल मिसकंडक्ट अंडर सेवरल क्लॉजेस। तो लास्ट क्लॉज जो हमें, लास्ट पार्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पार्ट 4। पार्ट 4 इज अगेन एप्लीकेबल फॉर ऑल दी मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर कमिटिंग अदर मिसकंडक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, इसके बाद एक क्विक रिकॉल करेंगे। पार्ट 4, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ ही is guilty by any civil or criminal court for an offence which is permissible with imprisonment for a term not exceeding 6 months। बोलता है कि आपने कुछ ऐसा काम किया है and आपको सजा हुई है 6 महीने तक की, so not exceeding 6 months। अगर आपने ऐसा personal life में चोरी डकैती किया है and court ने order कर दिया है कि sir imprisonment है आपको, तो ये अधर मिसकंडक्ट के दायरे में आएगा, पर्सनल लाइफ में भी गलत नहीं कर सकते। इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल इफ द पर्सन अट्रैक्ट्स डिसरेप्यूट, डिसरेप्यूट का स्टार्टिंग वाला सिन केसेस मैंने आपको बता दिया था, कई बार डिसरेप्यूट होता है अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, अथॉरिटी ने आपसे कोई डिटेल्स मांगी वो उनको ना प्रोवाइड करना, तो ये सारा चीज़ वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर प्रोफेशन और नॉट बट पर्सनल लाइफ में आपने कुछ गलत किया है विल अट्रैक्ट डिसरेप्यूट टू काउंसिल रिगार्डेड एज misconduct under clause 2 part 4 first schedule 2 4 first schedule। even companies act में जब भी lien वाला concept मैंने आपको समझाया था कि exercising lien over books of accounts, हम लोगों ने कहा था कि नहीं यार this attracts disrepute to counsel, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आपका first schedule fully complete होता है, just let us have a very quick recapitulation of first schedule। first schedule, फर्स्ट शेड्यूल में है चार parts, पार्ट 1, अभी ऐसा एक चार्ट बनाइए 2, 3, 4, इसमें क्राइटेरिया लिखिए PCA, PMC, NPCA, PMC, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, PCA, NPCA, PMC, PCA, NPCA, OMC, that is other misconduct, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास कितने clauses? 12 clauses, clause 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे लिखेंगे। 1 stands for अभिषेक बच्चन, हम लोगों ने कहा allowing any other person to practice in his name, प्रैक्टिस इन हिज नेम। 2 में हम लोगों ने कहा कि हो सकता है यू आर पेइंग और अलाउिंग, पेज और अलाउज और अग्रीज टू पे और अलाउ, आप पूरी पूरी लाइन लिखना, बॉबी देओल क्लॉज। सी में हम लोगों ने कहा एक्सेप्ट, चुलबुल पांडे क्लॉज, एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट एनी मनी, एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट।
डी में कहा देवानंद, दैट इज पार्टनरशिप क्लॉज. ई से हमने कहा इमरान हाशमी, सिक्योरिंग बिजनेस, सिक्योरिंग बिजनेस. एफ से हमने कहा सॉलिसिटेशन, फरहान अख्तर क्लॉज, कि यार फरहान अख्तर तो शायरी बोल बोल करके सॉलिसिटेशन कर लेता है, तो दैट इज सॉलिसिटेशन. सेवन एट नाइन, सेवन में हमने क्या कहा, सेवन इज गोविंदा, सेवन इज एडवर्टाइजेस प्रोफेशनल अटेनमेंट्स. एम पी एम एल ए बनने के बाद यू आर एडवर्टाइजिंग दैट येस यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लीगल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. एच, एच से कौन था, ऋतिक रोशन, क्या एन ओ सी, एन ओ सी अगर आपने नहीं लिया तो प्रोफेशनल मिसकंड. आई से इरफान खान भाई, टॉकिंग अबाउट कंप्लायंसेस, सो दैट इज कंप्लायंस विथ द प्रोविजन ऑफ 139, 140, 141. नेक्स्ट टेन, टेन से कौन सा क्लॉज पढ़ा था, जे, टेन से आता है जे, जे से आता है जॉन अब्राहम. जॉन अब्राहम भाई साहब ने क्या किया था, धूम वाले में परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज की थी, तो चार्जिंग फीस ऑन परसेंटेज बेसिस और विच इज कंटिजेंट अपॉन फ्यूचर फाइंडिंग्स. देन आता है इलेवन, जे के बाद के, के में हम लोगों ने कहा किशोर कुमार क्लॉज, एंड किशोर कुमार क्लॉज में हमने कहा कि देखो भाई आपको काम के साथ साथ कोई अदर बिजनेस करना है तो ये स्पेसिफिक परमिशन लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक परमिशन. देन हमने कहा ट्वेल्व, के बाद आता है एल, लालू प्रसाद जी, एंड लालू प्रसाद जी को साइन करना नहीं आता था, अंगूठा लगवाया था, यू रिमेंबर, सो इफ एट ऑल ही इज अलाउिंग एनी अदर पर्सन टू साइन ऑन हिज बिहाफ, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा, क्लॉज ट्वेल्व पार्ट वन फर्स्ट शेड्यूल. फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दो क्लॉज पढ़े थे, यही वाला था वन एंड टू. एनपीसीए इफ इट ऑल ही इज एक्सेप्टिंग एनी फंड्स और ही इज पेइंग एनी फंड्स फ्रॉम हिज सैलरी और इमोल्यूमेंट्स, तो ये सो पेइंग एक्सेप्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी, वन टू थ्री, एंड इसका की कोड क्या था, फिट, इसका की कोड क्या था, फिट, एफ आई टी, एफ स्टैंड्स फॉर नॉट बीइंग फेलो एक्टिंग एज फेलो, आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन. बट एक मिनट, ये इंफॉर्मेशन कौन सी वाली थी, इंफॉर्मेशन आस्क्ड बाय आई सी ए आई, नॉट सप्लाइड के फॉल्स सप्लाइड, नॉट सप्लाइड क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल है ना, फॉल्स सप्लाइड तो भारी मिसकंडक्ट है, वो सेकेंड में, सेकेंड शेड्यूल में आएगा, हम लोग कहेंगे नॉट सप्लाई. एंड लास्ट टी स्टैंड फॉर टेंडर्स के लिए या सॉलिसिटेशन के लिए, क्लॉज सिक्स या क्लॉज सेवन में अगर आपने इंफॉर्मेशन फॉल्स सप्लाई की है, क्या फॉल्स सप्लाई की है, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाए. लास्ट पार्ट फोर, या दिस इज पार्ट, पार्ट फोर में क्या चीज़ें हैं, पार्ट फोर में है सिर्फ दो क्लॉज, क्लॉज वन क्लॉज टू. अगर आपने कोई सिविल और क्रिमिनल एक्टिविटी, गलत काम किया है एंड कोर्ट ने अवार्ड किया है लेस देन इक्वल्स टू सिक्स मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट, तो मिसकंडक्ट कहलाया जाएगा और ये अधर मिसकंडक्ट कहलाया जाएगा. एंड टू में हमने कहा कि ये डिसरेप्यूट, अगर बाई एनी ऑफ योर प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल वर्क इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है कि इट इज़ अट्रैक्टिंग डिसरेप्यूट टू द काउंसिल, मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज टू पार्ट फोर फर्स्ट शेड्यूल. ठीक है, सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल टोटली कम्स टू एन एंड. एक आपसे निवेदन है दैट यू टेक आउट अ फुलस्केप पेज, वन साइड ऑफ द फुलस्केप पेज राइट ऑल द क्लॉजेस, ऑल द पार्ट्स ऑफ फर्स्ट शेड्यूल. सेकेंड साइड ऑफ द फुलस्केप पेज में आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट सेकेंड शेड्यूल के तीन पार्ट्स, जब भी मैं पढ़ाऊंगी तभी वो कंप्लीट करेंगे. एंड ये फुलस्केप पेज आपको आपके स्टडी टेबल, वॉल जहाँ पे आप रेडी हो रहे हो, ड्रेसिंग टेबल, वेर एवर यू फील कि यू कैन जस्ट कीप ऑन व्यूइंग द क्लॉजेस सो दैट इट स्टिक्स टू योर ब्रेन, ये फुलस्केप पेज आपको ऐसा यूज करना है. ठीक है, सो आज आपका ये पूरा फर्स्ट शेड्यूल खत्म हुआ है. नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करना है वो है सेकेंड शेड्यूल. ठीक है, हम लोगों ने पूरा पार्ट वन टू थ्री फोर ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल वॉज डन. अब हमें जो आगे बढ़ना है दैट इज अगेन पार्ट वन टू थ्री ऑफ द सेकेंड शेड्यूल.
जैसे हम लोगों ने पार्ट वन और फर्स्ट शेड्यूल हीरो नंबर वन हीरोज के नाम से पढ़ा था, तो अब हम लोग सेकंड शेड्यूल हीरोइंस के नाम से पढ़ेंगे। एक नारी सब पे भारी हीरोइंस के नाम पे पढ़ेंगे सेकंड शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सो सबसे पहले लेट अस गो थ्रू द मेमोरी टेक्निक इन ऑर्डर टू बाय हार्ट ऑल द क्लॉजेस ऑफ पार्ट वन सेकंड शेड्यूल। ठीक है, सो द वे वी अंडरस्टूड फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट वन, जस्ट उसी के बाजू में अगेन आई विल मेक यू ऑल राइट द कंटेंट ऑफ पार्ट वन सेकेंड शेड्यूल। सो यहाँ पे पार्ट वन, सो एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू, पार्ट वन ऑफ सेकेंड शेड्यूल हैज हाउ मेनी क्लॉजेस, हैज 10 क्लॉजेस। सो स्टार्टिंग विथ 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो यहाँ पे जो स्टोरीज है ना, या फिर यहाँ पे जो लिंकेजेस मैंने की है इन ऑर्डर टू मेक यू ऑल कनेक्ट विद द कंटेंट एंड कनेक्ट विद द क्लॉज सो दैट वो आपको याद रहे, दैट इज हीरोइंस। ठीक है, सो ए अभी आपको स्टोरी तो पता ही चल गई होगी, इवन टेक्निक भी आपको पता है। सो ए से अभी हम लोग यहाँ पे हीरोइंस को ढूंढेंगे, ए बी सी डी ई एफ। नाउ ए से हीरोइन ऑब्वियसली नन अदर देन ऐश्वर्या राय बच्चन। ओके, मुझे ये बताओ इनसाइड स्टोरी, ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी होने से पहले उनके कोई बॉयफ्रेंड थे? बॉयफ्रेंड्स नहीं बोल रही, मतलब कोई भी बॉयफ्रेंड था क्या? अच्छा, सलमान भाई, विवेक ओबेरॉय। अच्छा, अरे रे रे रे, ये आपको भी पता है, मैडम की लाइफ में कोई कॉन्फिडेंशियलिटी ही नहीं है। मैडम की लाइफ के हर एक किस्से आपको भी पता है, मैडम की लाइफ में कोई कॉन्फिडेंशियलिटी ही नहीं है। तो क्लॉज वन इज डीलिंग विथ सम मिसकंडक्ट रिगार्डिंग टू कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कॉन्फिडेंशियलिटी मिस किया है, नहीं किया है, ऑल दोज थिंग्स विल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है बी। बी से आता है हमारी फेवरेट मैडम है, ये है बिपाशा बासु मैडम। बिपाशा, ये बिपाशा बासु मैडम है ना, इनकी शादी जॉन अब्राहम से हुई थी बिफोर गेटिंग मैरिड टू, दिस इज अ रियल स्टोरी। ठीक है, दिस इज अ रियल फैक्ट। इनकी शादी जॉन अब्राहम से हुई थी बिफोर गेटिंग मैरिड टू करण ग्रोवर। ठीक है, मैडम ने ऐसे ही शादी कर ली एंड शादी विदाउट एनी एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन शादी कर ली एंड फिर पछताने का मौका मिला, फिर डिवोर्स लेना पड़ा मैडम को एंड देन नाउ शी इज हैप्पीली मैरिड टू करण ग्रोवर। ठीक है, सो अगर विदाउट एग्जामिनेशन हम लोगों ने अश्योरेंस रिपोर्ट दे दी, दैट विल ऑल्सो लीड टू सम कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद आता है दैट विल लीड टू मिसकंडक्ट। नेक्स्ट आता है थ्री, क्लॉज नंबर थ्री, सेलिना मैडम, सेलिना जेटली, नाम सुना है सेलिना जेटली। ए से कौन था? ऐश्वर्या राय। बी से बिपाशा। सी से सेलिना जेटली। जो सेलिना जेटली मैडम है ना, सेलिना जेटली मैडम, ये अपना सपना मनी मनी में थी, अपना सपना मनी मनी, उनको गाना गाना था। ठीक है, सो एक बार हुआ ये, उस मूवी में जो उनका गाना गाने का शौक था ना, वो उनका रियल शौक था। तो सेलिना जेटली मैडम वेंट टू यश प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यश एंड उनको कहा, यश मुझे गाना गाने के लिए स्टूडियो ओपन करना है। यश बोलते हैं कि अरे मैडम, आपके लिए तो जान हाजिर है, स्टूडियो क्या? बोलते हैं कि यश, मैंने सुना है कि आप पूरे मुंबई में बहुत ही ज़्यादा फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एकदम यंग डायनामिक, आपके कहने पर बैंक्स किसी का भी लोन अप्रूव कर देते। यश ने कहा, हाँ हाँ चलती तो हमारी भी बहुत है। अब यश की ये बातें सुनने के बाद सेलिना ने यश को कहा कि यश प्लीज़ आप एक काम करो ना, कि आप नेक्स्ट 5 साल के मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फोरकास्ट करो एंड अपने बैंकर्स को मुझे सबमिट करने के लिए आपकी साइन दे दो। आप ये बात बताओ कि हाँ हाँ आने वाले 5 साल में सेलिना मैडम को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है, ऐसे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाओ। ठीक है, यश भाई साहब तो सेलिना मैडम की आवाज़ पे ही फिदा हो गए थे। यश भाई साहब ने मैडम को कहा कि अरे मैडम कोई बात नहीं, यश भाई साहब ने ना देखा है इन्फॉर्मेशन, ना प्रोवाइड किया है इनको कोई बेसिस ऑफ अजम्पशन, ना इन्होंने कोई प्रॉपर एस्टिमेशन किया और बना दिया है फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड हाँ, उसके सामने ऐसा भी लिख दिया, आई वाउच, मैं जानता हूँ ना सेलिना मैडम का आवाज़ इतना अच्छा है कि प्रॉफिट ही होगा, बोलता आई वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द सेम। बस इतना सब होने के बाद सेलिना मैडम ने कहा, थैंक यू भैया, बॉस मिसकंडक्ट होएगा, भैया बोलने से नहीं
आपने अगर वाउच किया है फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, तो क्लॉज नंबर 3 में ये मिसकंडक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लॉज नंबर 4। क्लॉज नंबर 4, नाम कौन है ये? ये है दीपिका मैडम। दीपिका, मुझे बताओ, अगर दीपिका मैडम सॉरी सॉरी माय बैड, रणबीर कपूर नहीं, रणवीर सिंह, अगर दीपिका मैडम रणवीर सिंह लिमिटेड में, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करती है, कौन? दीपिका मैडम। तो डोंट यू फील दीपिका मैडम इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड? सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। सो इफ दीपिका मैडम इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड इन रणवीर सिंह, तो बॉस वहां पे यू कैन नॉट साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर साइन कर दिया है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा अंडर क्लॉज 4। दीज स्टोरीज आर जस्ट टू मेक यू और कोरिलेट द क्लॉजेस, ठीक है? आपको यहाँ पे कंटेंट को डीप डिटेल नहीं जाना है, वो हम लोग जा करके किताब में से पढ़ेंगे। 4 के बाद आता है 5। ई से हमारी प्यारी सी हीरोइन ईशा देओल, नाम सुना है? ईशा देओल हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र की बेटी, ठीक है? सो एक्चुअली ना मुझे बहुत भेदभाव लगता है ईशा देओल मैडम के साथ। धर्मेंद्र पाजी ने अभी एक मूवी बनाई थी, यमला पगला दीवाना, उसमें उन्होंने अपना रोल रखा, सनी देओल पाजी, सनी पाजी और बॉबी पाजी, इन दोनों का रोल रखा, बट अपनी बेबी, अपनी जो लाइक बेटी है, इसका रोल ही नहीं रखा। अगर चाहते तो ऐसा बना लेते ना, यमला पगला दीवाना दीवानी। क्यों उन्होंने ये मटेरियल फैक्ट हाइड किया कि ईशा मेरी बेटी है? सो यार ये तो गलत हो जाएगा यार। इफ एट ऑल यू हाइड मटेरियल फैक्ट्स प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बॉस ये तो गलत है यार। तो मटेरियल फैक्ट्स जो होने चाहिए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं बताया है, या आपने जानबूझ करके नोइंगली आपने इसको डिस्क्लोज नहीं किए है, तो ये मिसकंडक्ट है, ठीक है? तो धर्मेंद्र पाजी ये सही नहीं किया, गलत किया आपने। इसके बाद आता है क्लॉज नंबर 6। क्लॉज नंबर 6, फराह खान। एक्चुअली एफ से मुझे कोई हीरोइन और नहीं मिल रही थी। फराह खान ने भी एक आध मूवी तो की है, वो बमन ईरानी के साथ एक मूवी थी फराह खान की, ठीक है? सो क्लॉज नंबर 6 में आते हैं हमारी स्टोरी ऑफ फराह खान। मैडम ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। मैडम वाज प्रेग्नेंट एंड मैडम ने, अगर आपको पता है, शी डिलीवर ट्रिपलेट्स, ठीक है, हैप्पी ट्रिपलेट्स। तो इन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि नहीं नहीं मेरे तो ट्विंस है। ट्विंस बोलने के बाद हुए ट्रिपलेट्स, मिसस्टेटमेंट कर दिया ना, ये तो सही नहीं किया। सो क्लॉज नंबर 6 में अगर नोइंगली कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आप हाइड कर देते हो विच इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बहुत सी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाए। नेक्स्ट आता है 7। 7 से, 7 का मतलब होता है जी। जी से कोई हीरोइन का नाम याद आ रहा है आपको? जेनिलिया डिसूजा। जेनिलिया डिसूजा मतलब नॉट रिसेंटली, बट शी गॉट मैरिड टू रितेश देशमुख। यस, शी गॉट मैरिड टू रितेश देशमुख। शादी करने के बाद जेनिलिया डिसूजा का मूवी में आना बंद हो गया। जेनिलिया डिसूजा ने इज वेरी नेग्लिजेंट अबाउट हर करियर। मैडम शादी करने के बाद मूवी नहीं बनाई आपने, है ना? तो यहाँ पे जेनिलिया डिसूजा, जी वाला क्लॉज टॉक्स अबाउट मैडम इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट अबाउट हर करियर, अबाउट करियर, ठीक है? तो यही वाला तो क्लॉज था कि जेनिलिया डिसूजा ने रितेश देशमुख के साथ शादी की, शादी के पहले मूवी आई तेरे नाल लव हो गया, अरे हाँ हाँ ठीक है, बट उसके बाद क्या? उसके बाद कोई मूवी नहीं आई। मैडम इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट, ठीक है? सो इनकेस इफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बींग द मेंबर इन प्रैक्टिस इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट, तो हम लोग कहेंगे दिस इज अ मिसकंडक्ट अंडर जेनिलिया क्लॉज। जेनिलिया क्लॉज मतलब क्लॉज 7 पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्लॉज 8। ये हमारी तो ड्रीम गर्ल, कौन है 8 से? एच से ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। अभी हेमा मालिनी क्लॉज क्या कहता है? हेमा मालिनी, अरे हेमा मालिनी मैडम की ना एक एड आती थी, कैंट वाटर प्यूरिफायर। यस,
अभी मुझे सच्ची सच्ची बताओ, केंट वाटर प्यूरिफायर में मैडम जो दावा कर रहे हैं कि पानी एकदम ही प्यूरिफाइड, हेल्थ को बहुत ही अच्छा रहे, ये ना वो ना, मैडम ने सच्ची में खुद ने पर्सनल वेरिफिकेशन किया है या ये बेसलेस ओपिनियन? मैडम ने सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए केंट के ऊपर कमेंट किया है या एवी? एब्सोल्युटली इट इज एवी। सो जहाँ पे यू आर नॉट हैविंग एनी सब्सटैंशियल ग्राउंड्स वेदर यू आर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन ऑन बेसलेस इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई भी सब्सटैंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है एंड यू आर एक्सप्रेसिंग बेसलेस ओपिनियन, वॉज इट विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर हेमा मालिनी क्लॉज एंड दैट इज नन अदर देन क्लॉज नंबर 8। अब आगे बढ़ते हैं, क्लॉज 9। व्हाट इज इट? क्लॉज 9। क्लॉज 9 से याद रखने का है आपको आई से। एक्चुअली ना आई से कोई मैडम का नाम नहीं है, बट हम लोगों ने इसको ऐसे याद रखा है, ईशा कोपीकर। आई से आपको क्या याद रखना है? ईशा कोपीकर। अभी ईशा कोपीकर मैडम ना, मैं आपको बताऊँ कौन से मूवी आई थी, क्या सुपर कूल है, हम उसमें भी थी। उसमें ना मैडम ने कुछ पुलिस का रोल किया था। मैडम है बहुत स्ट्रिक्ट, तो मैडम के पास सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सब गए और मैडम बोला कि मैडम ये स्क्रिप्ट है, इसी में से देख करके आपको डायलॉग बोलना है। मैडम बोलती है मैं ना कॉपी नहीं करूँगी। सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर बोलते हैं कि अरे यार ये मैडम डायलॉग कॉपी नहीं कर रही है, ईशा कॉपी कर कॉपी नहीं कर रही है यार, कॉरपोरेट भी नहीं कर रही है और जो डायलॉग्स है वो कॉपी नहीं कर रही है। तो हमने कहा मैडम ये तो मिसकंडक्ट हो जाएगा। अगर आपने हमारे स्टैंडर्ड्स की स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं किया वाई कंडक्टिंग ऑडिट, जैसे मैडम स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर रही थी इन हर मूवी, वैसे ही अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं किया वाइल डूइंग ऑडिट विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज ईशा कोपीकर, क्लॉज 9 पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। समझ में आया? नेक्स्ट लास्ट क्लॉज फॉर एक नारी सब पे भारी, दैट इज पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल, ये है जे से कोई मूवी हीरोइन का नाम बताओ। जूही चावला। ठीक है, अरे जूही चावला ये कुरकुरे वाली मैडम है ना। कुरकुरे वाली मैडम को ना मूवीज आजकल मिल ही नहीं रही है, तो मैडम क्या कर रही है, कुरकुरे में से जो पैसे कमा रही है ना वो पैसे मिसयूटिलाइज कर दे रही है। मतलब जो कुरकुरे का पैसा है, जो कुरकुरे कंपनी को मिलना चाहिए, मैडम उसको अफरा तफरी कर रही है। बॉस, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर क्लाइंट का पैसा, क्लाइंट्स मनी सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करे, खुद के पर्सनल यूज़ के लिए यूटिलाइज कर दे, तो बॉस ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाया जाएगा। जूही चावला मैडम के पास अभी फिलहाल के लिए मूवी नहीं है ना, तो क्लाइंट का जो कुरकुरे का पैसा आता है ना वो पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेती है, दैट इज़ अ मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 10 जे से जूही चावला मैडम। चलो, तो हम लोगों ने 10 क्लॉजेस, हम लोगों ने 10 क्लॉजेस अब तक के लिए सिर्फ बाय हार्ट किए हैं ए से। चलो अभी स्टार्ट करो, लिखते भी जाओ और कोरिलेट भी करते जाओ। ए से ऐश्वर्या राय मैडम, मैडम की लाइफ में कोई कॉन्फिडेंशियलिटी ही नहीं है। बी से आता है बिपाशा मैडम, बिपाशा मैडम ने विदाउट वेरिफिकेशन जॉन अब्राहम से शादी कर ली। सी से आता है सिलीना मैडम, यश भाई साहब के पास गई थी अपने स्टूडियोज को बताने के लिए, तो यश भाई साहब ने क्या किया था? हाँ जी, फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे विदाउट ऑब्टेनिंग एविडेंसेस वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ओपिनियन दे दिया था, गलत किया। डी क्लॉज नंबर 4, डी से आता है दीपिका पादुकोण मैडम, एंड दीपिका पादुकोण मैडम ने क्या किया? रणवीर सिंह लिमिटेड में साइनिंग कर दी थी, मतलब जहाँ पे दीपिका मैडम का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइनिंग करना मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 4। 5, 5 से आता है ई, ई से ईशा दियोल। अब ईशा दियोल के साथ क्या गलत हुआ था? ईशा दियोल धर्मेंद्र पाजी की डॉटर है, ये मटेरियल फैक्ट तो पाजी ने हाइड कर दिया, मटेरियल फैक्ट हाइड करना क्लॉज नंबर 5 में मिसकंडक्ट है। फिर आता है 6, 6 ए बी सी डी ई एफ, एफ से हीरोइन फराह खान। फराह खान मैडम ने क्या किया? ओपनली मिस स्टेटमेंट दिया था, यू नो ट्रिपलेट्स ट्विंस वो वाला। तो जहाँ पे नोइंगली अगर आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट है और आपने वो डिस्क्लोज नहीं किया, दिस विल बी ट्रीटेड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। उसके बाद हम लोगों ने देखा 6, 7, 7 से आता है जी, जी से हीरोइन जेनिलिया डिसूजा मैडम। जेनिलिया डिसूजा मैडम
शादी करने के बाद ग्रॉसली नेग्लिजेंट अबाउट हर करियर, ग्रॉसली नेग्लिजेंट अबाउट हर करियर. उसके बाद एच, पहले तो एट, एट से एच, हेमा मालिनी मैडम. हेमा मालिनी मैडम याद आया तो कैंट वाटर प्यूरिफायर याद आएगा, बोलेंगे बेसलेस ओपिनियन देती है मैडम. उसके बाद नाइन, नाइन से आई, आई से ईशा कोपीकर, जो स्टैंडर्ड्स को कॉपी नहीं करती. ईशा कोपीकर जो स्टैंडर्ड्स को कॉपी नहीं करती, तो बॉस स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है. और लास्ट टेन, टेन से आता है जे, जे से आता है जूही चावला मैडम. उनके पास पैसे नहीं है तो कुरकुरे के पैसे मैडम अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर लेती है, सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करती. तो यहाँ पे 10 के 10 मिसकंडक्ट आ चुके. चलो फटाफट से बाय हार्ट हो चुका है. नाउ यू विल बी इन अ वेरी फेयर पोजिशन टू कम्प्लीट दैट फुल स्केप पेज. पता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था फुल स्केप पेज बनाओ. फर्स्ट शेड्यूल के सारे सारे पार्ट्स, सेकेंड शेड्यूल के सारे सारे पार्ट्स को एक पेज पे लिखो. तो नाउ यू आर वेरी वेल रेडी टू जॉट दिस थिंग्स अप. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विथ द कंसेप्ट ऑफ ये था हमारा हीरो नंबर वन, है ना. फर्स्ट शेड्यूल का मतलब होता है, फर्स्ट शेड्यूल का मतलब होता है हीरो नंबर वन होता है. तो फर्स्ट शेड्यूल हम लोगों ने हीरो के नाम से याद रखा है. सेकेंड शेड्यूल एक भारी शेड्यूल है ना. मैंने आपको बोला था सेकेंड शेड्यूल में जो मिसकंडक्ट है ना उसकी पेनल्टी भी भारी है. तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक नारी सब पे भारी. तो सेकेंड शेड्यूल के मिसकंडक्ट हम लोगों ने हीरोइंस के नाम से याद रखे, ठीक है. Part 1. A member of institute in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he. Clause 1 आपको अभी तो याद रह ही गया होगा. Ash क्या बात करते हैं? Discloses information acquired by him in the course of his professional engagement. अगर आप क्लाइंट का काम, मतलब क्लाइंट के काम करते समय जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन किसी को टिप के वाया, वो इन्फॉर्मेशन किसी को पास ऑन कर दूं, तो बॉस दिस विल बी ट्रीटेड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. हाँ, इसका एक्सेप्शन है अगर लॉ ने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी. लॉ ने इन्फॉर्मेशन मांगी का क्या मतलब होता है, देखिए. अगर कोई भी क्लाइंट के यहाँ पे, क्लाइंट के यहाँ पे रेड हुई है, रेड समझता है ना, यस, वो मूवी तो देखी होगी अपने रेड वाली, है ना. तो अगर रेड हुई है एंड इनकम टैक्स के ऑफिसर्स आए हैं आपके क्लाइंट के यहाँ पे, एंड आप हो उस क्लाइंट के ऑडिटर, इनकम टैक्स के ऑफिसर ने आपको कहा सर बैठिए, एग्जामिनेशन ऑन ओथ करना है, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा. अगर एग्जामिनेशन ऑन ओथ करना है उनको, अब वो एक लीगल प्रोसीजर है, असेसमेंट एक लीगल प्रोसीजर है. अब लीगली आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाए तो आप क्या करोगे, चुप बैठ जाओगे. हम लोग कहेंगे जितनी इन्फॉर्मेशन हमें है, जो हमें लगता है कि अभी रेलेवेंट है देने के लिए, लॉ लीगली हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है. सो एक्सेप्शन क्या कहता है, विथ द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट से पूछ करके आपने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दी है, या फिर इट इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स. उस समय के लिए अगर इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ तो आप इंदाज ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो. तो कोई कॉन्फिडेंशियलिटी के लॉज ब्रीच नहीं होगा. यहाँ पे ऑल्सो यू हैव अ रेफरेंस टू SQC 1, SA 200, SA 230. क्यों? क्योंकि इन सभी लोगों ने इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की, ठीक है. नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है क्लॉज 2. क्लॉज 2 इज बिप्स, बिपाशा मैडम. क्लॉज 2 क्या कहता है, पहले तो काली वाली लाइन बाहर करो. वॉट इज काली वाली लाइन? अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही, इफ ही वॉट, इफ ही सर्टिफाइज और सबमिट, मैंने कहा था विदाउट एग्जामिनेशन, सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन हिज नेम, खुद के नाम पे या खुद के फर्म के नाम पे, विदाउट एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ सर्च स्टेटमेंट हैज बीन मेड. सो अगर आपने खुद ने ही एग्जामिनेशन, आपने, आपके पार्टनर ने, आपके एम्प्लॉय ने, आपके आर्टिकल ने, कोई जॉइंट ऑडिटर ने, अगर ये एग्जामिनेशन किया है तो बॉस कोई दिक्कत नहीं है. बट बिना एग्जामिनेशन किए आपने स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दे दिया है, बॉस दिस विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. नाउ आई हैव सम काइंड ऑफ क्लेरिफिकेशन. क्लॉज 2 आपने देखा, दिस इज विदाउट एग्जामिनेशन.
ऐसा ही सेम पॉइंट मैंने ग्रॉसली नेग्लिजेंट 7 में बताया आपको, ग्रॉसली नेग्लिजेंट, ऐसा ही ऑलमोस्ट सेम पॉइंट मैंने आपको 8 में बताया हेमा मालिनी क्लॉज की इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त हुआ। तो मैम ये तो सब एक जैसे ही क्लॉज हुए, लेट मी राइट इट फॉर यू। क्लॉज 2 कौन सा था ये, बिपाशा। क्लॉज 7 जेनिलिया। क्लॉज 8 हेमा मालिनी, ऑलमोस्ट सेम। ये कहता है विदाउट एग्जामिनेशन, ये कहता है ग्रॉसली नेग्लिजेंट, और ये कहता है विदाउट एनी काइंड ऑफ ओपिनियन, मतलब सबूत नहीं मिला, तो हम लोग कह सकते हैं बेसलेस ओपिनियन, बेसलेस ओपिनियन। सो ये सारा का सारा क्लॉजेस ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है। हाँ जी, तो मैम क्या करें अगर क्वेश्चन ऐसा आया है, तो देखिए इवन आपका मॉड्यूल, इवन आपके जो सजेस्टेड आंसर है, कई बार ये तीनों क्लॉज एक साथ कोड कर देती, बट मैं आपको आगे चल करके क्लॉज नंबर 7 एज वेल एज क्लॉज नंबर 8 में स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ जो आपको बाय हार्ट कर लेने। अगर क्वेश्चन उस एग्जाम्पल्स के ऊपर आया है ग्रॉसली नेग्लिजेंट वाला आंसर लिख करके आने का, अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगी आपको जब भी 7 और 8 में लेकर के जाऊंगी उस एग्जाम्पल्स के ऊपर आए हैं, जैसे कि पीरियडिकल्स है, कैश है, इन्वेंट्री, मैं बताऊंगी स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे आपको क्लॉज नंबर 8 लिख करके आना है। ठीक है, सो प्लीज डोंट मिक्स दीज 3 क्लॉजेस। दिखने में ये लोग ऐसे लग रहे हैं मैम विदाउट एग्जामिनेशन का मतलब तो यही हुआ ना कि लापरवाह, लापरवाह का मतलब यही हुआ ना कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है ना, वो कोरिलेट हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट वन एंड द सेम, दे हैव अ थिन लाइन ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्लॉज नंबर 3। क्लॉज नंबर 3 क्या बात करता है, सेलिना जेटली। या सेलिना जेटली मैडम का जो वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी वाला क्वेश्चन था, देखिए गाइस मैम तो वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ना करें तो क्या कभी फ्यूचर फोरकास्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक में प्रस्तुति नहीं होंगे, कभी भी IPO FPO के लिए प्रोस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे नहीं, बनेंगे ना, बिल्कुल बनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गाइस, इन दिस पर्टिकुलर केस हम लोग ये कहते हैं देर इज़ अ स्पेसिफिक सेपरेट स्टैंडर्ड का सीरीज SAE, तो बिंदास आप ये SAE फॉलो करके फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दीजिए। बट अगर आपने SAE 3400 फॉलो नहीं किया एंड ऊपर से सीना का निशान से आपने लिख दिया कि आई वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट, मतलब जो फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है मैं बोल रहा हूँ सब सही है, अगर ऐसा आपने कहा है दिस विल बी रिगार्डेड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सो अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही परमिट हिज नेम, खुद का नाम अलाउ कर रहे हैं, और द नेम ऑफ हिज फर्म, फर्म का नाम अलाउ कर रहे हैं, टू बी यूज इन कनेक्शन विथ एन एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग फोरकास्टेड इन अ मैनर विच लीड्स टू द बिलीव, जो कोई भी थर्ड पर्सन इसको देखेगा उसको ऐसा फील होगा कि येस जो पर्सन ने साइन किया है ना ही इज़ वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी। मैम एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर यश ने सेलिना मैडम के फाइनेंशियल जो फोरकास्टेड फाइनेंशियल थे उस पर साइन किया एंड बोला कि मैं बोल रहा हूँ ना 5 साल में मैडम को मिनिमम 50 करोड़ का प्रॉफिट होना। तो यहाँ पर अगर आई भी देखो मैं तो सीधी साधी भोली भाली मासूम से, अब मैंने यश के साइन किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे मुझे क्या लगेगा यश भाई तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर इन्होंने बोला है मतलब वाउचिंग तो किया होगा इन्होंने, कुछ तो सोच समझ करके जवाब दिया होगा। अब मैंने सेलिना लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर दी, अगर पैसे ऊपर नीचे चले गए वो तो बात की बात है, यश भाई को पेनल्टी तो लगेगी, इसके पहले भी ये क्लॉज 3 में मिसकंडक्ट माना जाएगा। सो एक्सेप्शन क्या होगा, 3400 फॉलो करो एंड ऑल्सो आप ये चीज़ इंडिकेट करो बॉस मैं वाउचिंग नहीं कर रहा, आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या है, आपके अजम्पशंस क्या है, एंड यू हैव नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। ICAI ने एक्चुअली स्पीकिंग जो कंपनी के प्रोस्पेक्टस होते हैं, जो फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर एक गाइडेंस नोट देकर के रखा है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे रिपोर्ट बनाना चाहिए ऑन प्रोस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट आता है दीपिका, क्लॉज 4। दीपिका मैडम ना एक्सप्रेसिंग, पहले काली वाली लाइन जोर जोर से रिपीट करना, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज, कोई भी ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जहाँ पे वो खुद
उसका फर्म या फिर पार्टनर या फिर उसके रिलेटिव, ही हिमसेल्फ, हिज फर्म, पार्टनर या फिर उसके रिलेटिव, चार में से किसी का भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो, बड़े सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, यू आर कनेक्टेड टू दैट फर्म, इंस्टीट्यूट, एंटिटी, एंटरप्राइज, एंड उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आपने साइनिंग कर दिया, तो वॉस ही मिसकंडक्ट माना जाए. एक्सेप्ट फॉर, अब ये एक्सेप्ट फॉर में क्या चीज़ है समझो. सी फॉर एग्जाम्पल, या सो एट टाइम्स यू मे हैव सीन दैट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर हायर फॉर प्रोवाइडिंग रिलेटेड सर्विसेज, कंपाइलेशन सर्विसेज. तो मैंने प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर ए को अपॉइंट किया, और अपॉइंट करने के बाद सर को बोला कि सर आप ना साइनिंग वाइनिंग मत करो, आप एक काम करो मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करके दो. तो अभी यहाँ पे भले ये प्रैक्टिसिंग है, तो क्या ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में मेरी हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल यस, कोई दिक्कत नहीं है. पॉइंट नंबर टू, मेरी खुद की कॉलेज है, ठीक है, मैकेडमी, ठीक है. अब ये जो खुद की कॉलेज है, ये कॉलेज में मैंने कोई एक प्रोफेसर अपॉइंट किया था कि सर आप एक काम कीजिए ऑडिट पढ़ा दीजिए, मेरे पास भी थोड़ा कम टाइम है. वो भी ऑडिट पढ़ा रहे थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं. वो सर जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट पढ़ा रहे हैं, उसी सर को बोलूँ सर आपको तो ऑडिट आता ही है, एक काम करो ना सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में साइनिंग कर ही दो, पैसे तो मुझे वैसे भी देने थे, देखो यार बिजनेस लेकर के बैठे पैसे बचाने पड़ेंगे. तो सर को बोलेंगे सर आप ऑडिट पढ़ा दो एज वेल एज मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करके साइनिंग भी कर दो. चलेगा? नहीं चलेगा. तो व्हेन अ लेक्चरर ऑफ अ कॉलेज, भले वो पार्ट टाइम लेक्चरर हो, विजिटिंग फैकल्टी हो, भले कोई लेक्चरर ऑफ द कॉलेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ा रहे हो, क्या वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइनिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इन द सिमिलर मैनर, पॉइंट नंबर टू, आई एम अ ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट, हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है. अब ये जो ट्रस्ट है, इसमें मैं ट्रस्टी हूँ, मुझे ऑडिट करना भी आता है. क्वेश्चन ये उठता है, क्या मैं इस ट्रस्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर दूँ? नहीं चलेगा. सो जिस ट्रस्ट का ट्रस्टी ही हिमसेल्फ इज एन ऑडिटर, वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन नहीं कर सकता. और एक केस ले लेते हैं छोटा वाला, एक छोटा सा इंस्टेंस समझो इस गाइज. इसमें से फॉर एग्जाम्पल, कोई एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है. जो एम्प्लॉयर है उसने एम्प्लॉई को कहा कि आप एक काम करें, आप हमारे बिहाफ पे कोई केस का रिप्रेजेंटेशन, इनकम टैक्स के लिए रिप्रेजेंटेशन करके आइए. क्या कहा? इनकम टैक्स के लिए रिप्रेजेंटेशन करके आइए. तो एम्प्लॉई ने कहा ओके सर, नो प्रॉब्लम, आप कह रहे हो तो अपने कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं इनकम टैक्स का केस लड़ने के लिए जाता हूँ. यहाँ पे कोई मिसकंडक्ट नहीं. बट एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मैम एम्प्लॉई है तो प्रैक्टिसिंग कैसे हो सकते हैं? मैंने आपको क्लॉज नंबर 11 में पढ़ाया था, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी एम्प्लॉयड विथ अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. इसमें कोई परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है आपको, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं. तो चलो स्टार्ट से लेकर के पढ़ते हैं, एक्सेप्शंस में क्या आएगा और मिसकंडक्ट्स में क्या आएगा. पहला, दिस क्लॉज विल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर द स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेंबर्स इन एम्प्लॉयमेंट फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम. अगर आप एम्प्लॉयमेंट के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं. फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज मिसकंडक्ट, ऑडिटरशिप ऑफ कॉलेज जहाँ पे आप पार्ट टाइम लेक्चरर हो, ऑडिटरशिप ऑफ ट्रस्ट जहाँ पे आप खुद एक ट्रस्टी या एम्प्लॉय हो. जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा है, वही वो खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट को साइन नहीं कर सकता. नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर खुद इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकता. इंटरनल ऑडिटर टैक्स ऑडिटर साइमल्टेनियसली नहीं बन सकता. इंटरनल ऑडिटर GST ऑडिटर नहीं बन सकता. एक मेंबर, हाँ ये वाला पॉइंट, एक अभी जस्ट डिसंबर में इसका क्वेश्चन आया था, समझो. सी फॉर एग्जाम्पल, आई एम द डायरेक्टर ऑफ मैकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है. अब मैंने क्या किया, मैं इतने समय से डायरेक्टर हूँ. जस्ट लास्ट ईयर मैंने मेरा डायरेक्टरशिप का, वैसे भी रोटेशन प्रोविजन एप्लीकेबल था, तो मैंने मेरा डायरेक्टरशिप का पोजीशन लीव किया, बट कंपनी से लगा हुआ है मेरा. मैंने क्या किया, इस साल मैं डायरेक्टरशिप के पोजीशन से पीछे चली गई, एंड जस्ट नेक्स्ट ईयर मैंने बोला कि मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कर लेती हूँ. चलेगा? तो आई वेकेटेड एज अ डायरेक्टर फ्रॉम द कंपनी, नाउ आई वॉन्ट टू एक्ट एज एन ऑडिटर फॉर द सेम कंपनी द नेक्स्ट ईयर. चल से? एब्सोल्युटली नो मैम. अब तक आप मैनेजमेंट में थे तो यू नो वॉट घोटालाज हैव बीन डन. अब आप डायरेक्टली ऑडिटर हो जाओगे, आप छिपा लोगे ये सारे घोटाले को? येस गाइज, हेंस हम लोग क्या कहते हैं, इफ अ पर्सन वेकेट्स द ऑफिस एज द डायरेक्टर पोजिशन, ही
cannot be appointed as an auditor for cooling period of 2 years. 2 years तक आप ऑडिटरशिप नहीं हासिल कर सकते, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड थे गाइस, तो 2 साल का मिनिमम कूलिंग करना है. तो यहाँ पे देखो, अ मेंबर शैल नॉट एक्सेप्ट एन असाइनमेंट ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर एज अ डायरेक्टर और एज रेजिग्नेशन फ्रॉम द सेड कंपनी एज डायरेक्टर. अब एक छोटा सा यहाँ पे हिंट लिख करके रखो, लिखो हेडिंग कूलिंग पीरियड डायरेक्टर टू डायरेक्टर. एक बार आप डायरेक्टर की पोजीशन से गए, आप फिर से डायरेक्टर बनना चाहते हो. सो नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस, डायरेक्टर टू डायरेक्टर के केस में आपने आईडी उसमें देखा होगा 3 साल का कूलिंग पीरियड होता है. नेक्स्ट, डायरेक्टर टू ऑडिटर, अभी अभी पढ़ा, एज पर क्लॉज नंबर 4 Part 1 Second Schedule 2 साल का कूलिंग पीरियड होता है. एज ऑडिटर टू ऑडिटर ये रोटेशन प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा कि अगर आपका टर्म खत्म हो गया है 5 साल का टर्म, तो मैंने आपको बोला था 5 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा, तो यहाँ पे कूलिंग पीरियड कितना होगा 5 years. ठीक है, आपके दिमाग में शायद और एक क्वेश्चन होगा कि मैम अगर आपने आपका टर्म खत्म किया है एज ऑडिटर, नाउ कैन यू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी? सो एवरी एक्ट, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट इज साइलेंट अबाउट दैट परम्यूटेशन कि जो ऑडिटर हो चुका है अब उसको डायरेक्टर बनना है तो क्या, एक्ट ने कहीं कुछ भी नहीं बताया. तो मैम हम क्या करेंगे? देखो बच्चों, डायरेक्टर को खुद को ये कहा जाता है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसका कोई तालमेल या मेल मुटाव या कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए इन द कंपनी. सो वेन एवर यू आर गेटिंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी, इन दैट पर्टिकुलर केस हम लोगों को ये चीज़ चेक करनी है कि बॉस यू आर फेयरली कंप्लाइंग द कंडीशंस ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट 149 के प्रोविजन, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाम पे अपॉइंट हो रहे हो. बाकी उन्होंने कोई कूलिंग पीरियड का प्रोविजन नहीं रखा है, हु हैज रिजाइंड एज एन ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, तो वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है. तो ये 3 परमिटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ रखे, ठीक है, अलग अलग जगह पे. ये एक्ट में पढ़ा है, सॉरी ये क्लॉजेस में पढ़ा है अभी, 4(1) Second Schedule, ये आपने सेक्शन नंबर 139 में पढ़ा है, ये यूजुअली आपने 140s की सीरीज में 149 में पढ़ा होगा, डायरेक्टर टू डायरेक्टर. गॉट इट? अब एक और छोटा सा अंडरस्टैंडिंग, कैन अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर सेम साइमल्टेनियसली? यही पर्सन स्टैट ऑडिटर है, यही पर्सन क्या इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? एब्सोल्युटली नो. क्या कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर साइमल्टेनियसली जीएसटी ऑडिटर बन सकता है? ये पर्सन मैं अगर के लिमिटेड में स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना चाहती हूँ एज वेल एज उसी के लिमिटेड में जीएसटी ऑडिट भी आता है, आप उनको बोलो बन सकती हूँ? ऑडिट भी, जीएसटी भी, एब्सोल्युटली यस, कर सकती हूँ मैं ऐसा. ठीक है, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर इनकम टैक्स ऑडिटर बन सकता है साइमल्टेनियसली फिस्कल ऑडिट में? यस बन सकता है. क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन सा ऑडिटर बोलूँ मैं अभी आपको, ऐसा बोलते रहो, क्या एक इंटरनल ऑडिटर जीएसटी ऑडिटर या इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम टैक्स ऑडिटर बन सकता है? नहीं बन सकता. इंटरनल ऑडिटर जीएसटी ऑडिट या इनकम टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता साइमल्टेनियसली. क्या एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर बन सकता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर बन सकता है? आंसर इज नहीं बन सकता एज पर सेक्शन नंबर 148. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर साइमल्टेनियसली ब्रांच ऑडिटर बन सकता है? आंसर इज यस बिकॉज ऑफ 143(8). हम लोग कहता है मेन प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर बन जाए, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर नहीं बन रहा है तो कोई थर्ड पर्सन को हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं एज पर द मैनेजमेंट डिस्कशन. मतलब यहाँ पे मना नहीं है, यहाँ पे आप कर सकते हो, ऐसा समझ में आया पक्का?
सो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता साइमल्टेनियसली, ये एंड ये हो सकता, ठीक है। सो ये एमसीक्यू में पूछे जाने वाले कोर कंसेप्ट है, जस्ट नोट दिस डाउन। ऐसे का मतलब है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और ये लिखा है इंटरनल ऑडिटर, जीएसटी ऑडिटर, इनकम टैक्स ऑडिटर। हमेशा ध्यान रखें स्टैट्यूटरी ऑडिटर और फिस्कल ऑडिट, ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है, ये दोनों एक्सटर्नल मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। कॉस्ट ऑडिट, ब्रांच सॉरी कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ये सारा मैनेजमेंट हायर करता है, ठीक है। तो फटाफट से कॉपी दिस डाउन।